लो दोस्तों, आ गया सबसे बड़ा अपडेट, बिग अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए। रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से नई अपडेट जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने ले लिया बहुत ही बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष ने अभी अभी नया निर्णय जारी कर दिया है सभी स्टूडेंट्स के लिए इंटर रिजल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स जो है लगातार जोरों शोरों से हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स। लाखों स्टूडेंट्स का कहना है कि रिजल्ट को फिर से जारी किया जाए, अन्यथा हम लोग इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बोर्ड अध्यक्ष का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, यहां पर स्टूडेंट्स का कहना है कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ दोबारा चेक करके रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि हम जो है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। एक दो विषय में हमारे को जो है नंबर कम मिला है, क्रैश लग गया है कई बार, कई स्टूडेंट की कई तरह से जो है प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, ठीक है। एक बार फिर से बड़ा फैसला निकल कर आया है बोर्ड की तरफ से। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर का परिणाम 16 मार्च को दोपहर 3 बजे जारी किया गया था, ठीक है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है इस वर्ष 80% दिया गया था, 20% छात्र जो है फेल हो चुके थे। वहीं पर रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र एवं छात्राओं के अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है काफ़ी स्टूडेंट्स का बेकार गया है, ठीक है। इस वर्ष रिजल्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का बेकार जाने के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में सवाल चल रहे हैं। जी हाँ, रिजल्ट दोबारा कब और कितने तारीख को जारी किया जाएगा। दोस्तों, लाखों बच्चे का लगातार मांग है कि कॉपी को अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर दोबारा छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट में भारी मात्रा में गड़बड़ी पाया गया है। जी हां, बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। किसी को ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिला है तो किसी को सब्जेक्टिव में नंबर नहीं मिला है, कोई कोई को नंबर जोड़ने में गलती हुआ है। इन सभी त्रुटि को सुधार कर रिजल्ट को दोबारा प्रकाशन किया जाए और दोबारा जारी किया जाए। ये सभी स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार बोर्ड अपने नाम शोहरत कमाने के लिए जो है हमारा रिजल्ट बेकार कर दिया है, रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया, ये लाखों स्टूडेंट्स का कहना है। जी हां दोस्तों, यहां पर बात करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो नंबर 1 बोर्ड बन रही है इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ी हो चुकी है रिजल्ट को लेकर, यह काफी स्टूडेंट्स का काफी छात्रों का कहना है। दोस्तों, यदि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाली सभी नोटिफिकेशन इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। दोस्तों, यदि अगर आप लोग अभी तक हमारी इस वेबसाइट को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लो lkresults.com को, क्योंकि हमारी इस वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन बिहार बोर्ड से जुड़ी इंफॉर्मेशन अपडेट भी अपडेट डाला जाता है। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट आने के बाद छात्र एवं छात्राएं अलग अलग जगह पर हंगामा कर रहे हैं, इंटर रिजल्ट फायर से आएगा। यह सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि इंटर का रिजल्ट फिर से आएगा, छात्र एवं छात्राएं अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, क्योंकि जितना लिख कर आए थे उतना रिजल्ट नहीं मिला है, उतना नंबर नहीं आया है, ठीक है, उनको नहीं दिया गया है, इसलिए बच्चे आक्रोशित हैं। छात्रों की मांग है कि दोबारा इंटर का रिजल्ट को जारी किया जाए और इंटर के रिजल्ट को कॉपियां जो है दोबारा से चेक किया जाए। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि इंटर रिजल्ट में सुधार कब होगा, यह मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स का लगातार सवाल है कि इंटर का रिजल्ट कब सुधार होगा, तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन जारी है, आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि जो स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन सभी सब्जेक्ट को निकाल कर दोबारा से चेक किया जाएगा। एक तरफ से बिहार बोर्ड का भी कहना, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का भी कहना जायज है और जो छात्रों का कहना है वो भी जायज है। तो लेकिन बात यहां पर कुल मिलाकर क्या आ रहा है, पैसे को लेकर, क्या बार बार स्टूडेंट्स पैसे देंगे, बार बार अपने जेब से पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, क्योंकि बार बार जो है पैसा खर्चा करना, एक बच्चों से 70 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट का लेना, मतलब कि लाखों बच्चों से करोड़ों रुपए, ठीक है। अब यहां पर सुनिए सभी स्टूडेंट्स, कि यहां पर बोला जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दें, ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट का 70 रुपये चार्ज रखा गया, ठीक है। अब 70 रुपये चार्ज आपको देने होंगे, जो भी आपको जिस विषय में लगता है, मैथ में नंबर कम मिला है, केमिस्ट्री में कम मिला, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी अगर मान लो सब्जेक्ट में लगता है कम नंबर मिला है, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी करें, ऑनलाइन आवेदन करें, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस सब्जेक्ट को दोबारा निकाल कर जाँच किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, गड़बड़ी हुई है, तो दोबारा से नंबर बढ़ाकर आपको अपने स्कूल से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यह बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। अब यहां पर सुनिए, छात्र
छात्र भी लगातार इसी बारे में बार बार कह रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक बार फिर जी हाँ इस साल केवल 10 दिन में ही कॉपी का जांच मूल्यांकन कर इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पिछले वर्ष 26 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था, इस वर्ष जो है 16 मार्च को ही जारी कर दिया गया, यानी 10 दिन पहले रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, वहीं आपको हर साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना इतिहास रचते जा रही है। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड बिहार बोर्ड के माध्यम से बनता जा रहा है, पर यहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार बोर्ड अपने रिकॉर्ड को बनाने के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है गड़बड़ हो चुका है और गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स 70 रुपये देकर प्रत्येक सब्जेक्ट का स्क्रूटनी के लिए दोबारा से जाँच करवा लीजिए। ठीक है, दोबारा से जाँच करवा लेंगे तो ठीक रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड का अगला कदम क्या होगा, आप तो लाइव आने के बाद ही बताएंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।